बहुमुखी प्रतिभा के धनी, वरिष्ठ अधिकारी, अभिनेता, गायक, फोटोग्राफर और एक जाने माने लेखक। गायकी की बात करें तो गायन में आपको नेशनल अवार्ड मिला है और फोटोग्राफी में भी आपको नेशनल अवार्ड प्राप्त हुआ है। तो हम बहुत कुछ जानेंगे अपने आज के अतिथि अभि दा जी के बारे में। तो चलिए शीघ्र ही आमंत्रित करते हैं, आप हैं यहाँ पर तो हम शीघ्र ही मुलाकात कराते हैं अपने आज के अतिथि अभि दा जी से। अभि दा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल कोना मन का में। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने अपने इतने सुंदर पटल पर मुझे आज आमंत्रित किया साक्षात्कार के लिए। और ये मेरा सौभाग्य है कि आपके इस प्रतिष्ठित पटल पर, पटल से मेरा भी नाम आज जुड़ा है। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अभिदा जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि अभिदा कौन है, तो हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। मित्रों, मैं भारतवर्ष का एक बहुत ही सामान्य सा नागरिक हूँ। कोई ऐसी विशेष बात नहीं है, सबके अंदर क्षमताएं प्रतिभाएं होती हैं। किसी को मौका मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता है। मैं उत्तर प्रदेश सचिवालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर का अधिकारी रहा हूँ और मुझे रिटायर हुए 8 वर्ष हो गए हैं। सेवा काल में जब मैंने अपनी सेवा प्रारंभ की थी, उसी समय मैं अभिनय के क्षेत्र से जुड़ा। मेरे साथ एक हमारे सहयोगी थे मिस्टर सुमित सेन गुप्ता, जो कि विशेष सचिव होकर रिटायर हुए विधानसभा से। तो उन्होंने मुझे सबसे पहले एक नाटक में इंट्रोड्यूस किया और उस नाटक से मेरी अभिनय यात्रा का प्रारंभ हुआ। और वह नाटक हमारा लखनऊ दूरदर्शन पर भी टेलीकास्ट हुआ था। और उसके बाद जब सिलसिला चल गया तो धीरे धीरे चलता रहा, लेकिन जैसे ही शादी हुई तो ये सब कुछ रुक गया, क्योंकि किसी को ध्यान अपनी ओर चाहिए था। उसको ये बर्दाश्त नहीं था कि मेरा ध्यान कहीं और जाए, तो मेरी अभिनय यात्रा को बीच में विराम लग गया। लेकिन जैसा कि होता है कि व्यक्ति मानता नहीं है, जो उसकी एक इच्छाएं होती हैं उनसे वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। तो धीरे धीरे एक मेरे मित्र हैं मिस्टर प्रवीण भूषण जी, उन्होंने मुझे एक सीरियल में रोल दिलवाया और उसकी शूटिंग फतेहपुर में हुई। मैंने कभी गांव नहीं देखा था, मगर मुझे किसान का रोल दिया गया और लोगों ने बताया कि जो मेरा कॉस्ट्यूम था किसान का, बहुत मेरे ऊपर फब रहा था और बड़ा अच्छा रहा वो। और उसी के बाद उसी सीरियल के जो फोटोग्राफर थे, उन्होंने मुझे एक फिल्म में रोल दिया जिसकी शूटिंग कानपुर के एक रिजॉर्ट में हुई। और हमारे प्रवीण भूषण जी ने मुझे एक रोल एक एल्बम में, पुजारी का अभिनय था जिसमें, और एक रोल उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट्री में एक अध्यापक का दिलवाया। तो इस तरह से अभिनय यात्रा धीरे धीरे जारी थी, जारी है और आगे भी योजनाएं हैं। मैं स्वयं भी कुछ बनाने की सोच रहा हूँ, सीरियल वगैरह। तो अभी सतत यात्रा हमारी जारी है। जी, आप अपने नाटक और फिल्म का नाम बता दीजिए ताकि अगर वो कहीं से कोई देखना चाहेगा तो वो देख सकता है। देखिए, नाटक का तो नाम था उस रात। जी अच्छा, फिल्म का नाम अभी और सीजन नाम अभी डिस्क्लोज नहीं किया है उन्होंने, क्योंकि होता क्या है कि लोग नाम कॉपी करके तुरंत कुछ रिलीज पहले कर देते हैं, इसलिए इसको ठीक रिलीज के पहले ही इसका नाम ओपन करते हैं। इसका अभी नाम ओपन नहीं किया गया है, जैसे ही पता लगेगा मैं अवगत कराऊंगा जरूर। जी ठीक है, बहुत अच्छा। मित्रों, मैं आप जी, नहीं, आप पूरा कर लें। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये जो मेरी अभिनय यात्रा थी, इसके पहले मेरी लेखन यात्रा प्रारंभ हो गई थी। और ये वो समय होता है जब व्यक्ति किशोरावस्था में होता है और यौवनावस्था की दहलीज उसके सम्मुख होती है। उसके होठों के ऊपर जब विधाता रेखाएं खींचता है तो उस समय हृदय में कुछ ऐसे भाव और भावनाएं जागृत होती हैं कि कलम स्वतः कोरे पन्नों पर लकीरें खींचना शुरू कर देती है। एक ओर ईश्वर रेखाएं खींचता है तो एक ओर मनुष्य कागज पर लकीरें खींचता है।
ये मेरा वो समय था जब मैंने लिखना प्रारंभ किया, हालांकि जी वो बचकानी करता है उस समय की हुआ करती थी। जी इसी पर ही हमारा अगला सवाल है आपसे कि लेखन लिखने की जी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, कौन था जिसने आपको लेखन की ओर अग्रसित किया? देखिए, मेरे साथ एक विशेषता यह रही कि मैं बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट था। अब तो धीरे धीरे इतनी उम्र पे आकर के खुलना शुरू किया है, लेकिन पहले तो मैं बात करते भी शर्माता था। मैं मोहल्ले में अगल बगल कहीं किसी घर नहीं जाता था, किसी से बात नहीं करता था, मैं घर में ही रहता था। स्कूल गया, स्कूल से घर, घर से स्कूल। घर में मुझे पढ़ने के लिए बहुत अच्छी अच्छी किताबें मिलती थी। वीर बालक, ये महान कैसे बने, महात्मा गांधी, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी। तो ये बचपन से ये किताबें मैं पढ़ने लगा। और जब मैं 9th में था तो मैं लखनऊ मॉन्टेसरी में, लखनऊ का पढ़ा हुआ हूँ, एलिस मैम थी वहाँ पे, मुझे उनका आज भी नाम याद है। मैं उनके पास गया और मैंने किताब निकाली लाइब्रेरी में, जिसका नाम था मृगनयनी। और वो किताब जो थी, सॉरी, वो किताब झांसी रानी के ऊपर लिखी गई थी। इतनी मोटी किताब थी, जब मैं इशू कराने गया तो मैम बोली, मुझको देखा कि क्लास 9th का बच्चा वो इतना मोटा नॉवेल लेके जा रहा है पढ़ने के लिए। उनको बड़ा ताज्जुब हुआ, कहने की नहीं, तुमको इशू नहीं करेंगे, आज लेके जाओगे, कल फिर वापस करोगे। नहीं, मैंने कहा मैम मुझे प्लीज आप दे दीजिए, मैं पढ़ूंगा। आप यकीन नहीं मानेगी, मैं किताब लेके आया, मैंने खाना पीना सोना सब भूल गया और मैंने शाम और रात के अंदर किताब पूरी खत्म कर दी। और सुबह जब मैं उनको वापस करने गया तो वो हंसने लगी, देखो मैंने कहा था तुम पढ़ोगे नहीं। तो मैंने कहा नहीं मैम, आप कहीं से कुछ भी मुझसे पूछ लीजिए। तो मुझे इतना शौक था उसमें पढ़ने का कि मैं एक एक दिन में तीन तीन नावल पढ़ लिया करता था, बहुत छोटी उम्र से, क्योंकि घर ही में रहता था, बाहर नहीं जाता था। जिस उम्र के बच्चे गुल्ली डंडा कंचे पतंग ये सब खेला करते हैं, मैं किताबें पढ़ा करता था। तो शायद कुछ अंदर से ही कुछ ऐसा ईश्वरीय प्रदत्त वो था कि आकर्षण था किताबों के लिए, जो कि धीरे धीरे लेखन में परिवर्तित हुआ और फिर लेखन शुरू हो गया। आपने 5 किताबें लिखी हैं और जी जी, तो अपनी रचनाओं के बारे में हमारे दर्शकों को जरूर बताइए कि अगर कोई पढ़ना चाहे तो वो कहाँ से उपलब्ध हो सकते हैं। देखिए, ये किताब मेरी अभी नवीनतम आई है। मेरा 4 अगस्त को बर्थडे था, जिस पर मेरी किताब है स्वरांजलि। ये मेरा गीत संग्रह है और ये मेरा अमेजन पे उपलब्ध है। ये अमेजन का वो बारकोड बना हुआ है, अमेजन पे उपलब्ध है। इसी तरीके से ये अतृप्ता मेरा कथा संग्रह है, ये भी अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों जगह उपलब्ध है। ये सलाम गालिब है, ये भी इसी तरह से उपलब्ध है। तो ये मेरी 5 किताबें हैं, दास्ताने कारगिल है और जीवन के आयाम, ये मेरी 5 किताबें हैं और 5ों किताबें मेरे फ्लिपकार्ट और अमेजन पे उपलब्ध हैं। जहां तो दर्शकों इसके लिंक तक बात, इस 1 मिनट सर, दर्शकों आपको इन पुस्तकों के लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप इन्हें खरीदना चाहते हैं तो आप इन्हें अमेज़न से खरीद सकते हैं। जी, तो इनके बारे में आपने बताया कि ये 5 किताबें आपने दिखाई जिसमें आपने एक गीतों पर लिखी है और स्वरांजलि। आप गायक, जी 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 गायकी में नेशनल जी अवार्ड आपको मिला है। कुछ जी पसंदीदा गीत की कुछ पंक्तियां हमारे दर्शकों को सुनाइए, अगर आपको पसंद है। तो पहले देखिए, गीत तो मैं अपना लिखा हुआ सुना सकता हूँ, तो ये मेरा अपना लिखा, इसी स्वरांजलि से ही मैं सुना रहा हूँ गीत। ये तेरी पलकों ने उठ करके सुबह को लालिमा दे दी, दिशाओं ने तुम्हारे नाम की ही गूंज सी भर दी, तेरी अंगड़ाइयों ने आसमां में रंग बिखराए, हवाओं ने तुम्हें छू कर सुमन को खुशबुएं दे दी, वो खन खन चूड़ियों की तो हमें बेताब कर दी है, तुम्हारी पायलें भी चमकी
तनन से साथ देती है, अलग होते है जब अद्भुत तुम्हारे होठ फूलों से, अलग होते है जब अद्भुत तुम्हारे होठ फूलों से, कहीं वादी के मंदिर में लगे है जल तरंग बजती तेरी पलकों ने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फोटोग्राफी की बात कर लेते हैं, आपको फोटोग्राफी में भी नेशनल अवार्ड मिला है और बहुत सारे अवार्ड और सम्मान हम की फेहरिस्त आपकी देखी है, तो अपनी फोटोग्राफी के बारे में भी हमारे दर्शकों को कुछ बताएं, कैसे रुचि हुई आपको, शौक कैसे हुआ फोटोग्राफी का? मुझे अच्छी तरह से याद है, मुझे बचपन से ही इधर रुझान था बहुत ज़्यादा मेरा, और जब मैं घूमने जाया करता था कहीं, तो सर्विस नौकरी के पहले, सर्विस में आने के पहले तो इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन मेरी सर्विस ऐसी थी कि मुझे विधायकों की टीम लेकर के जाना पड़ता था जगह जगह। तो मैंने पूरा हिंदुस्तान घूमा हुआ है, पूरे भारतवर्ष की लगभग सभी विधानसभाओं में हमने बैठकें की हैं, और जितने राजधानियां हैं, मुख्य शहर हैं, जितने आपके जो पर्यटन स्थल हैं, सारे देखे हुए हैं लगभग। तो मुझे शौक था, उसमें आपको याद होगा कि कोडक का कैमरा आता था और कोडक की ही रील आती थी जिसमें 12 फोटो का एक रील हुआ करती थी, और जिसको फिर हम लोग बाद में डेवलप कराते थे और उस पर प्रिंट बनाते थे। तो वो मैं लेके जाया करता था, और मुझे इतना शौक था फोटो खींचने का कि मैं जब 2-3-4 रोल लेके जाता था, जब मैं लौट के आता था तो मेरे घर वाले बड़ा हंसते थे, क्योंकि उसमें मेरा कोई फोटो नहीं होता था, क्योंकि मेरे पास कैमरा था तो मैं सबकी फोटो खींच रहा होता था और मेरी फोटो उसमें नहीं होती थी। तो मुझे बहुत शौक था। मैं आपको बताऊं कि अभी मैं एक दिन ये नीचे जा रहा था तो एक बिल्डिंग के बाहर, बाउंड्री के बाहर कुछ बोगनविलिया के फूल लटके हुए थे। अब देखिए, जो फोटोग्राफर होता है ना, मैं उसकी आई, जो आंख होती है, उसके पहनेपन की बात बता रहा हूँ कि वहां दिन भर सैकड़ों हजारों लोग निकलते हैं उस सड़क पर, लेकिन मैंने क्या देखा कि एक ही डाल पर एक गुलाबी और एक सफेद बोगनविलिया फैला हुआ है, एक ही, बिल्कुल एकदम अगल बगल में बिल्कुल। और मैंने उसको तुरंत उसके मैंने कैप्चर कर लिया। तो ये एक फोटोग्राफर की निगाह होती है कि जो ऐसी चीजें तुरंत पकड़ लेता है जिसपे कि आम लोगों की निगाह नहीं जाती है। इसी तरीके से मैंने एक बार देखा कि एक बोगनविलिया के पेड़ में सारे फूल जो थे वो सफेद थे, कुछ फूल ऐसे थे जिनके ऊपर हल्का सा गुलाबी रंग सफेद के ऊपर आया हुआ था। तो मुझे याद तो नहीं है, मैंने तुरंत आके कविता लिखी थी कि उसने मुझे छुआ और मैं शर्म से लाल हो गई। तो मैंने उसी फूल के ऊपर मैंने वो गीत उसके ऊपर एक कविता बना के लिख दी। तो इस तरीके से प्रेरणा मिल जाती है। हमारे आसपास चारों तरफ बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिधर हमारी निगाह नहीं जाती है, और जब जाती है तो कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं। जैसा कि आपने बताया कि जो मुझे इनाम मिला था नेशनल कंपटीशन में, ब्रॉन्ज मेडल मुझे मिला, मैं लंदन गया था। तो अब जाहिर सी बात है, अब तो सबके पास मोबाइल है और सब लोग फोटो खींचते ही रहते हैं, लेकिन वहां पर क्या हुआ कि वहां पे एक बिल्डिंग है, उसका नाम है श्राड, श्राड या शार्ड ऐसे कुछ बोलते हैं, इसमें ठीक से ध्यान नहीं आ रहा है। वो 75 मंजिल ऊंची बिल्डिंग है, लंदन की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। हम लोग वहां गए तो ऊपर थे और कैमरा था, क्लिक कर रहे थे, इसी समय एकदम से नीचे जो है, शाम का टाइम था तो पूरे लंदन की लाइट्स ऑन हुई और मैंने फट से उसको क्लिक कर लिया और उसको मैंने टाइटल दिया नाइट इन लंदन। तो जब एक बार अल्सफेयर मैगजीन में, इंटरनेशनल मैगजीन है, उसमें जब एक बार फोटो मांगे गए, तो जब मैंने ये फोटो वहां भेजा तो ये फोटो मेरा वहां पर सेंक्शन हो गया अल्सफेयर मैगजीन में। और इसी फोटो को मैंने भेजा, एक मणिकर्णिका संस्था है जो कि नेशनल लेवल के कंपटीशन कराती है। जब मैंने वहां इस फोटो को भेजा तो ये फोटो मेरी वहां पर विजित हुई और मुझे वहां पर उसमें ब्रॉन्ज मेडल मिला। तो ये हमारे फोटोग्राफी की दास्तान रही है।
बहुत अच्छी दास्तान रही आपकी कि आपने इतना कुछ कहना चाहिए कि अपने सफर में बहुत कुछ किया है जो कि आम दर्शकों के लिए यानी कि हम सभी के लिए प्रेरणादायक है कि आपने लिखा और इतनी ऊंची पोस्ट पे रहे और इतना कुछ आपने अपने जीवन में किया कि आज भी कर रहे हैं आप, आज भी कर रहे हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, जैसे आपने बताया कि फोटोग्राफी। चलते चलते हम एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने बताया कि आप इतने विधायकों को की टीम लेकर के जाते थे, तो विधानसभा और जनसभा के वर्तमान में उपयोगिता या प्रासंगिकता कहें क्या कहेंगे कि लोग इतना समझते नहीं हैं इसे, तो इसके बारे में कुछ बताइए कि क्या इसकी वर्तमान में उपयोगिता है। सब जी देखिए, बताइए, इसके बारे में वैसे वैसे तो ये विषय बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत बड़ा है। चलिए आपने पूछा है तो मैं संक्षेप में आपको बताता हूँ कि हम लोग मैं 1981 में पहली बार गंगोत्री जमुनोत्री बद्री केदार एक साथ चारों जगह गया था, ऑफिशियल टूर पे गया था। उस समय जब गंगोत्री जा रहे थे तो गंगोत्री पे एक जगह हम लोग उतार दिए गए, वहां से 1.5 किलोमीटर नीचे पैदल गए, वहां पर एक नदी थी जिसके ऊपर छोटा सा पुल बना हुआ था। उस पुल को पार करके फिर 1.5 किलोमीटर हम लोग ऊपर आए, वहां से हमको दूसरी गाड़ी मिली जिससे हम गंगोत्री गए। उसके बाद हम लोगों ने लिखा पढ़ी कि भाई यहाँ पे एक पुल बनना चाहिए। अच्छा, हमारा एक कुछ प्रोसेस ऐसा है कि आप जैसे एक पेटिशन होती है, आप पेटिशन कमेटी है, आप उसमें एक पेटिशन डाल दीजिए तो फिर आप भूल जाइए, क्योंकि वो ऑटोमेटिक प्रोसेस में आ जाता है और काम उस पर धीरे धीरे चालू हो जाता है। तो जब एक बार हम लोग दोबारा वहां गए 7-8 साल बाद, तो जो वहां के डीएम थे हम लोगों के साथ लेके चल रहे थे हमारे साथ, वो कहने लगे कि सर ये पुल आप लोगों ने ही बनवाया है। हमने कहे, तब याद आया कि अरे हाँ, हम लोगों ने वहां पे पिटीशन डाली थी कमेटी में। तो ये चीजें होती हैं कि लोगों को पता नहीं है कि ये चीजें जो विधानसभा है ये हमारे अपने निजी प्रयोग में भी आ सकती है। कैसे आती है, उसका तरीका है, उसका माध्यम है। हमारे यहाँ समितियां हैं, सदन है, विधानसभा जो सदन है उसमें जब विधानसभा चलती है तो उसके अंदर एक शॉर्ट एक जिसे बोलते हैं कि ध्यानाकर्षण की सूचना दी जाती है, तो किसी विधायक से आप साइन करा के वहां उनको दे दीजिए तो वो जमा हो जाती है, और जो भी आपकी प्रार्थना उसके अंदर होती है वो उस एक कमेटी होती है, उसको रेफर हो जाती है और वो कमेटी उसको फॉलो करती है, अधिकारियों को बुलाती है, उनसे बात करती है, भाई इनकी तो ग्रेवांस है, इसको आप ठीक करिए, क्या है। तो बार बार बुला करके जब उनको जब हंटर किया जाता है तो वो सारे काम हो जाते हैं। लेकिन आम आदमी ये चीजें नहीं जानता है कि हम विधानसभा तक कैसे पहुंचे, तो इसके लिए आपको अपने जो क्षेत्रीय विधायक उनसे संपर्क करना पड़ेगा, उनसे अपनी बात बतानी पड़ेगी। कहीं सड़क बननी है, कहीं बिजली का पोल लगना है, मतलब ऐसे जो भी जन सामान्य के कार्य हैं वो सारे कार्य आपके वहां से हो सकते हैं। और मैं बताऊं, एक तो विधान परिषद में है एक समिति है, वित्तीय एवं प्रशासकीय विलंब जांच समिति। यदि आपको वेतन कई साल से नहीं मिला है, कई महीने से नहीं मिला है, आपको परेशान किया जा रहा है, तो आप अपना अपनी अप्लीकेशन उस कमेटी में दे दीजिए सचिव को संबोधित करते हुए। तो वहां पर आपकी अप्लीकेशन लेकर के संबंधित विभाग के सचिव को और उनके अधिकारियों को बुलाया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि भाई आप इनका वेतन क्यों नहीं दे रहे हैं। तो उसके बाद वो तुरंत उसका वेतन भुगतान हो जाता है, किसी का प्रमोशन नहीं हो रहा है या इस तरह की जो तमाम सारी चीजें हैं ये सर उन सब समितियों के। सर एक मिनट, मैं पूछना चाहती थी कि किसी भी संस्था से हो, ये कि अगर सरकारी संस्था से हो या प्राइवेट से हो, किसी भी संस्था से हो, अपना अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए प्राइवेट भी जो है वो है तो सरकार के अंडर में ना, जो भी प्राइवेट है तो सरकारी नियमों के तहत ही वो चल रही है संस्था, तो उसके लिए भी दिया जा सकता है। लेकिन इसके लिए आपको आपकी सीधी एंट्री नहीं होती है, जो भी काम होगा किसी विधायक के माध्यम से होगा, तो आप किसी विधायक के पास जाइए और उनसे कहिए। और एक और आसान रास्ता होता है कि अगर आप किसी विधायक को नहीं जानते हैं, यदि वहाँ के स्टाफ में से किसी से आपका परिचय है तो वो आपको किसी विधायक से मिला देंगे और उसके जरिए आप अपना काम करवा सकते हैं। तो मैंने अपने जीवन में देखा है कि हजारों हजारों हजार लोगों के काम हमारे यहाँ से हुए हैं, प्रमोशन हुए हैं, रुके हुए वेतन मिले हैं, जो विसंगतियां थी वो ठीक हुई हैं, बहुत सारे काम करने, कितने कितने हम लोगों ने सड़कें बनवा दी, कितने कितने गाँव में बिजली लगवा दी,
बहुत सारे काम हुए हैं। तो हाँ ये सब इन विधानसभाओं के जरिए, जो सदन है, विधानसभा है, विधान परिषद है, इन सब के जरिए ये सारे काम संभव हो पाते हैं। ये बात आपने बहुत अच्छी बताई। तो दर्शकों देखिए कि विधानसभा तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आपको अपने विधायक से बात करनी होगी। अगर आपकी कोई भी समस्या है तो आप उनसे कर अपनी अर्जी दे सकते हैं और एक ना एक समय आपकी सुनवाई होगी। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने कि आम आदमी कैसे विधानसभा तक पहुंचे, वो ये जानता ही नहीं है। वो ये भी नहीं जानता है जी कि जी समस्याएं हैं वो वहां पर हल हो सकती हैं। तो ये आपने बहुत अच्छी बात जी बताई बताई हमारे दर्शकों को। तो समय की सीमा बहुत कम है और इसलिए हमें आपसे जी इजाजत लेनी पड़ेगी सर। हमारी बातचीत आपसे बहुत अच्छी रही, सार्थक रही, और समय होगा तो हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आप हमारे मंच पर आए। आप हमारे दर्शकों को अगर कुछ कहना चाहते हैं, कोई संदेश देना चाहते हैं तो चलते चलते दे सकते हैं। जी जरूर। देखिए, एक तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ पुनः कि आपने मुझे अवसर दिया अपनी बात रखने का। दूसरे, मैं दर्शकों से जो अब आजकल तो कुछ कहना इतना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सभी विज्ञ हैं, विद्वान हैं, लेकिन फिर भी जो मैंने अपने जीवन से अनुभव किया है कि यदि आप निरंतर लगे रहेंगे, तो जैसा कहा भी गया है कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, कि आज मैं इस स्थिति में आ गया हूँ लिखते लिखते कि मैं एक दर्जन पटलों का मैं संरक्षक हूँ, उसका एडमिन हूँ, और कहीं भी प्रोग्राम में जाता हूँ तो मैं अध्यक्ष के रूप में या मुख्य अतिथि के रूप में मुझे बुलाया जाता है। तो ये इसलिए संभव हो पाया कि मैं निरंतर चलता रहा, करता रहा, प्रयास करता रहा। कोरोना काल में जब लॉकडाउन था, जब सब कुछ बंद था, उस समय मुझे ये नहीं पता था कि ये ऑनलाइन पे कवि कविताएं कैसे पढ़ी जाती हैं, क्या होता है। लेकिन मैंने सीखा, शुरू शुरू में बहुत दिक्कतें हुई, क्योंकि एकदम से टेक सेवी हो जाना इस एज पे आकर के संभव नहीं होता है, लेकिन अपने 68 ईयर्स की एज में आकर के मैंने उन सब चीजों को सीखा, और करते करते मैं आज इस दिशा में बहुत आगे बढ़ गया हूँ। और ऑफलाइन भी मुझे बहुत से प्रोग्राम मिलते रहते हैं, मैं जाता रहता हूँ। तो प्रयास करते रहिए, प्रयास मत छोड़िए। जो भी आपके अंदर हुनर है, प्रतिभा है, लगन है, उसको लगन के साथ में आप करते रहिए। उसको हताश मत होइए, निराश मत होइए। कोई अगर आपको अप्रिशिएट नहीं करता है, उससे आपको निराशा नहीं होनी चाहिए। और सौभाग्य होता है उनका जिनको अप्रिशिएट करने वाले लोग मिल जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप है ना, आप अपने साथ हैं, आप अपने को अप्रिशिएट करिए। मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगती है, जो सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में जो जगदीश गांधी जी अब तो नहीं रहे हैं, जो पहले तो मैं जब मैं मेरे बच्चे वहां पढ़ते थे, मैं जाया करता था, वो एक बड़ी अच्छी बात कहते थे हमेशा मीटिंग में, कि अगर बच्चे ने कलम से एक लकीर भी खींची कागज पे, तो आप उसकी प्रशंसा करिए, तो उससे बच्चे का हौसला बढ़ेगा। तो इस तरीके से आप अपने लिए हौसला अपना बढ़ाइए, और आसपास आपके जो साथी हैं, आपके जो लोग हैं, परिवार में, रिश्तेदार में, पास पड़ोस में, उनका हौसला बढ़ाइए। जब आप उनका हौसला बढ़ाएंगे, तो एक दिन वो निश्चित रूप से घूम के आपका भी हौसला बढ़ाएंगे। तो इस हौसला बढ़ाने की मुहिम को जारी रखिए, और करने की मुहिम को जारी रखिए। कृष्ण ने गीता में कर्म का संदेश दिया है, तो उस संदेश को हमेशा याद रखिए, और उस चीज को हमेशा करते रहिए। तो धीरे 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 आप एक दिन शिखर पे पहुंचेंगे, ये मेरा आपसे वादा है, इसको निश्चित मान के चलिए। बहुत बहुत अच्छी बहुत बात, धन्यवाद, आभार आदरणीय। बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे मंच पर आए। बहुत अच्छा।